अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ नगमा वसीम की डायरी। तो आज हम न्यू व्लॉग बनाने वाले हैं और आज मैं निकल रही हूँ सऊदी के लिए। मेरी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग है तो यहाँ से मुझे तकरीबन 3 घंटे लगेंगे पहुँचने में। तो 9:30 पे यहाँ से निकल लूँगी और उसके बाद मेरी फ़्लाइट है 3 बजे। तो फ़िलहाल मेरी पैकिंग सारी हो चुकी है और अब सऊदी की जर्नी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस मुझसे जुड़े रहे और आगे की वीडियोस में जल्दी आपसे अपलोड करती रहूँगी। अब टाइम टू टाइम आपको वीडियोस अपलोड दिखेंगे। और ये देखिए मेरी पैकिंग हो चुकी है, बस अब निकलने वाली। तो गाइज़ हम घर से निकल गए हैं। मैं वीडियो उस टाइम नहीं बना पाई, काफ़ी सब इमोशनल हो रहे थे, सबसे मिल रहे थे, सबसे सी ऑफ कर चुके हैं। बस घर से तुरंत निकले ही हैं हम लोग और अब बस दिल्ली के लिए निकल गए। और दिल्ली में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लेट्स सी क्या होता है, टाइम से पहुंच जाए हम लोग। तो फिलहाल हाफ डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, बस हाईवे चढ़ने से पहले ये रेस्टोरेंट है कि पहले हम लोग खाना खा लें, क्योंकि फिर वहाँ टाइम मिले ना मिले तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे कि खाना खा लें, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो बस खाना ऑर्डर कर दिया है हम लोगों ने और हमारा खाना बस आ ही रहा है। खाने में हमने ऑर्डर किया है दाल तड़का, कढ़ाई पनीर एंड बटर रोटी, दैट्स इट। इतना बहुत था, बहुत हैवी हो गया था हमारा, तो बस खा लिया। अब हम लोग यहाँ से भी निकल गए हैं और मौसम काफ़ी लाइक क्लाउडी, बारिश, बस दिमाग में चल रहा था कब पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। बट फाइनली पता चल गया था हमें कि हमारी फ़्लाइट लेट है बारिश की वजह से, और कतर एयरलाइंस को भी कैंसिल कर दिया गया था तो 40 मिनट्स डिले हो गया था। तो जैसे ही हम पहुँचे फटाफट हमारी बोर्डिंग हुई और इमिग्रेशन, और उसके बाद हम आ गए हैं। तो गाइस हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं तो इसके लिए हम लोगों ने बग्गी की है। तो मुझे जाना था 12 नंबर गेट पे, तो पॉसिबल ही नहीं था कि लगेज के साथ मतलब ज़हीम को भी और हैंड लगेज भी लेके चलना। तो मैंने वहाँ पर पूछा जो थे स्टाफ, मैंने कहा मुझे बग्गी करनी है, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए, फिर अभी ड्राइवर आएगा आपको लेके जाएगा। तो आई वॉज नॉट हैविंग एनी आइडिया कि इसका पेमेंट करना है कि नहीं करना है, मैं पूछ रही हूँ तो लोग बता भी नहीं रहे हैं। तो लेट मी इन्फॉर्म यू गाइस, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, आप बैठिए, ये इनकी ड्यूटी होती है, वो आपको ड्रॉप कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम जिसको भी जाना हो, जिसको आइडिया नहीं है, तो आप बग्गी पे बैठिए और बग्गी पे आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। देयर इज़ नो चार्ज फॉर दिस, ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है। तो फिलहाल यहाँ से मैं निकल रही हूँ दिल्ली टू शारजा। शारजा में मेरी वेटिंग है कुछ आज के लिए, उसके बाद फिर मेरा जो है शारजा से दिल्ली के आभा के लिए है। और ज़हीम को मैनेज करना बहुत मुश्किल है फ़्लाइट में, बस मोबाइल के ही ज़रिए मैंने उनको थोड़ा सा बिज़ी रखा है। तो बस अब हम फ़्लाइट में आ गए हैं और हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ होने ही वाली है 5 से 10 मिनट के अंदर। तो जर्नी तो हमारी अच्छी रही। तो बस अब हम लोग लैंड कर चुके हैं शारजा में, और शारजा में थोड़ा सा लंबा वेट करना था हमें। यहाँ पे ज़हीम ने बहुत परेशान किया है, पूरा एयरपोर्ट उनको घूमना था, तो बार बार मैं इन्हें ले जा रही थी, फिर शॉप से उनको कैंडीज़ ख़रीदनी है, सब चीज़ में ले आ रही थी, उसके बाद भी बहुत परेशान किया ज़हीम ने। बट कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बट यही है कि अकेले मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट मज़ा भी बहुत, बाद में याद करो तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे अब हमारी दूसरी फ़्लाइट की टाइम हो गई है और ये हमें मिला है ज़हीम के लिए, ये बेबी पैक मिला है, इसमें चिप्स है, पेंसिल कलर है, बुक है और कुकीज़ वगैरह है, ये ज़हीम के लिए है। और ये है चिकन नूडल्स मेरे लिए। तो बस फाइनली अब हम लोग लैंड कर चुके हैं, बहुत टाइम लगा है, वसीम आ गए हैं हमें लेने के लिए, और इमिग्रेशन में तो बहुत टाइम लग गया था। बट मैं थोड़ा सोची थी ज़हीम पता नहीं बाबा के पास जाएंगे नहीं, बट ज़हीम बाबा को देखते ही इतना एक्साइटेड, इमिग्रेशन ही नहीं करने दे रहे थे कि जाना है बाबा के पास। तो बस अब हमारी कार आ गई है और हम लगेज रख रहे हैं, उसके बाद हमें निकलना है घर के लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग रुक रहे हैं एक जगह, क्योंकि लग गई है भूख। एक्चुअली वसीम ने कुछ खाया नहीं था, तो मेरा तो ऐसा कुछ मन नहीं था क्योंकि मैंने खा लिया था, नूडल्स हैवी हो गया था, बट फिर भी कही चलिए वील हैव सम लंच। तो हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, यहाँ पे रेस्टोज़ है कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स,
तो हम यहाँ पर आ रहे हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं और हियर वी आर, पहुँच गए हम रेस्टोरेंट में। और इस वक्त सबकी कॉल आ रही थी, सबसे बातें भी हो रही थी कि है मतलब सेफली पहुँच गए कि नहीं, तो सबको कॉल भी कर रही थी, रिकॉर्ड भी कर रही थी। और ज़हीन तो बाबा के साथ एकदम बिज़ी हो गए थे, थैंक गॉड मैं भी फ्री हो गई थी। तो बस अभी हम लोग लंच करेंगे फटाफट, उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। तो यहीं पे वसीम की मीटिंग भी थी, तो वो ऑनलाइन अपना मीटिंग भी कर रहे थे, ही वॉज बिजी इन हिज मीटिंग। ऐसी मीटिंग करते करते वो खाना खाए। तो बस यहाँ पर वन थिंग व्हाट आई लाइक अबाउट कि यहाँ पे फैमिली के लिए ये पूरा केबिन ही अलग दे देते हैं, आराम से इजली रिलैक्स होके खाना। तो बस अब हमारा खाना ऑर्डर हो गया है क्योंकि बार कोड सिस्टम है, खाना आ गया है, बस फटाफट खाएंगे और हम निकलेंगे घर से। जनाब आए मुझे रिसीव करने, बट उसमें भी लगे हुए हैं मीटिंग में, ऐसी नाइंसाफी। तो गाइस लंच हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो उससे पहले वसीम और जो साथ में आए हुए हैं गए हैं कॉफ़ी लेने के लिए, और उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। इंशाल्लाह डेढ़ घंटे में घर पहुंच जाएंगे। आ गई है वसीम, लेकर आ गए हैं। कहाँ गए थे कब से बुला रही हूँ, आई नहीं रहा पीछे। Are you driving? तो कॉफ़ी हम लोगों ने ले ली है, अब हम लोग निकल रहे हैं आभा से। अब यहाँ से बस निकलते चले जाएंगे और घर पे भी हमें पहुँचना है जल्दी जल्दी। हुजबा से भी मुलाकात होनी है, सुफिया भाभी से मुलाकात होनी है। एमन नहीं है, एमन जा चुकी है, तो आई एम मिसिंग है वेरी मच। घर पहुँच गए हैं हम और अभी आपको दिखाऊंगी अंदर चल के। ये हमारा ड्राइंग रूम, तो फिलहाल के लिए ये है हमारा घर क्योंकि हम घर जल्दी चेंज करेंगे। अभी एमन नहीं है तो एमन के घर में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। ये रहा किचन, वॉशरूम, ये दो रूम है। तो बस फटाफट अभी हम लोग फ्रेश होंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद रात का डिनर जो है वो हुजबा के घर है। मूड सही हो गया? हाँ वो थोड़ा फेस के दो तीन दिन के बाद सही हो जाएंगे। तो गाइस आ गए हैं हम लोग खाना खाने के लिए, यहाँ पे सुफिया भाभी भी आई हुई है मिलने के लिए। तो बस अब हम वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी अब अपडेट करूँगी। और टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, डू कॉमेंट।